गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हमने लाइव क्लास में अपना पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 4 किया, अजंता। अब वीडियो से मैं आपको इस चैप्टर की समरी दे रही हूँ, आपको चैप्टर बुक से रीड भी करना है। पहले देखो प्रस्तावना कि इस पार्ट के अंदर ये बताया है कि अजंता के मंदिर हमारे भारतवर्ष के कलाकारों को गौरवान्वित करते हैं, यानी गर्व महसूस करवाते हैं। सेकंड, प्रतिबिंब, अजंता के मंदिरों की सबसे अच्छी बात क्या है। परिकल्पना, यदि आपको अजंता घूमने का मौका दिया जाए तो क्या आप जाना पसंद करेंगे। इसके बाद पहले इसके वर्ड मीनिंग देखो। शब्दार्थ, विरासत, धरोहर, परिपाटी, प्रथा, औचित्य, सच्चा व्यवहार, सर्वत्र, हर जगह, अभिराम, मोहक, निर्वाण, मोक्ष, बहुसंख्यक, बहुत अधिक मात्रा में, वंचित, रहित। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। आदमी ने पहाड़ क्यों काटे? जिंदगी को मौत के चंगुल से छुड़ाकर उसे अमर बनाने के लिए पहाड़ों को काटा। किस तरह इंसान को इंसान की खूबियों को कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। यानी जो पुरानी कथाएं थी या पुराने चलचित्र थे, वो लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएं, ये आने वाली पीढ़ियों तक कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए, कैसे लोग उनके बारे में जान सके, इसके लिए आदमी ने बहुत सारे उपाय सोचे और किए भी। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, यानी भावी पीढ़ी तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए उसने सर्वप्रथम चट्टानों पर खुदाई की। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली गई, चली आ रही है। यानी ये प्रथा जो थी वो सदियों से चली आ रही है और जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। यानी जो भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम था, चट्टानों पर खुदे होना, पीतल के पत्थरों पर खुदे होना, ये हमारी विरासत बन गई है, धरोहर बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए और उन मंदिर की दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए गए। यानी पहाड़ों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हमारे हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी। परिपाटी मैंने परंपरा। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई। पहाड़ काटकर बनाए जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ों को काटकर बनाई गई और हमारी प्राचीन गुफाओं में से एक अजंता गुफा के नाम से जानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा
यानी कुदरत की कृपा बरस पड़ी है, प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है, अर्थात प्रकृति ने भी अपना सौंदर्य वहाँ पर बिखेरा है। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है, वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार, यानी अजंता गांव से थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ों ने जो है एक अर्धचंद्राकार यानी चंद्रमा की आधी शेप के अनुसार आकार ले लिया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया, पुरखों को अर्थात हमारे पूर्वजों को पसंद आ गया और उन्होंने उसे खोदकर भवन और महलों का निर्माण कर दिया। तो 8th क्लास आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी बुक से भी रीड करें और मंडे को स्कूल में कॉपी चेकिंग के लिए भेजें।